हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल दा मोर्चा पर। मैं हूं आपके साथ अमित ढांडा। अफगानिस्तान के पठान भाई एक बार फिर से सुर्खियों में है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये पठान भाई आखिर है कौन। तो पठान भाई वह है जिसको लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा, जो इंडिया व पाकिस्तान पर कॉमेंट करता रहता है। पठान भाई ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया है और इंडिया की काफ़ी तारीफ करते हुए पठान भाई नजर आए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी वीडियो के माध्यम से। मिसाइल दाग दिया भाई। भाई मिसाइल दाग दिया भाई। असल में मसला क्या था, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई बाय मिस्टेक मिसाइल जो है वो दाग दिया है भाई पाकिस्तान के ऊपर। मसला ये है कि भाई वो बंदा जो मिसाइल के पास खड़ा हुआ था ना, वो ताजी ताजी, क्योंकि कल दी कश्मीर फाइल मूवी भी रिलीज हुई थी, तो वो भाई ताजी ताजी दी कश्मीर फाइल मूवी देख के आया था, तो भाई उसने दाग दिया मिसाइल। मुझे बिकारिस्तान के एक दो बंदे मिले तो कहते हैं भाई ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। अरे मैंने कहा भाई किस बात का शुक्र, मिसाइल दागा है, कोई पिचकारी तोड़ी मारी है? तो कहते हैं अरे भाई मिसाइल तो खैर है, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया इंडिया से। मिसाइल कोई बात नहीं भाई, एक मिसाइल। अरे क्या करते हो यार, इतना बड़ा मजाक करते हो, मां की आंख मजाक में मिसाइल दाग दिया भाई। ओ भाई अभी जितने भी इनके लोग हैं, इनके या जितने भी ये सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, जितने भी ये इनके पॉलिटिक्स के लोग हैं, ये अब कभी इंडिया से मजाक नहीं करेंगे। इनको पता है कि भाई इंडिया मजाक में भी मिसाइल दाग देता है। क्योंकि बचपन में जब दो बच्चों की लड़ाई होती थी ना, तो कमजोर वाला बच्चा कहता था रुक मैं तुझे अभी बताता हूं, मैं अभी अपने भाई अबू को बुला के लाता। और जो दूसरा बच्चा होता था तो वो तो रख के देता खान के नीचे, चल जा भाई जिसको बुला के लाना। और मैंने भाई इनके मिनिस्ट्री की एक वीडियो देखी, तो वो बंदा कह रहा है इनके पाकिस्तान के भारत की तरफ से एक बहुत स्पीड में एक बहुत सी एक चीज, एक अजीब सी चीज स्पीड में, शर्म आ मिसाइल बोलते हुए शर्म आ रहा है। उसको मीडिया पे मिसाइल बोलते हुए शर्म आ रही है कि इंडिया ने मिसाइल दाग दिया। बोल रहा है कि भाई एक बहुत सी अजीब सी चीज स्पीड में आ रही थी इंडिया की तरफ से और आगे हमारे यहां लगी। अरे अरे शुक्र करो ये सिर्फ एक छोटा मिसाइल ही दागा है, परमाणु ना दाग दिया भाई। भाई अरे क्या करते हैं यार, लोगों को कड़ा किया है भाई ये बॉम्ब मिसाइल के आसपास, भाई मजाक मजाक में दाग देते हैं भाई। अरे भाई देखो जो बड़े बड़े बॉम्ब होते हैं ना, तो उसका जो ओनली ओन जो जो इजाजत देते हैं, जो जो हुक्म देते हैं चलाने के लिए, तो वो तो प्रेसिडेंट ही देते हैं, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। और एक बैग होता है, हमेशा आप लोग देखें हर देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास एक बैग होता है ब्लैक कलर का, वो हमेशा वो जहां जाता है जिधर भी जाता है जिस देश में जाता है उसके साथ एक ब्लैक बैग होता है, और उस बैग में क्या होता है ये सारी मालूमात होती है, परमाणु बॉम्ब मिसाइल वगैरह की वो मालूमात होती है। और वो अगर रात को सोता भी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो बैग उसके 5 से 6 मीटर के करीब ही होता है, क्योंकि अगर कभी भी कुछ हो जाए उसके देश पे रात को या सोते हुए या कभी भी देश के ऊपर परमाणु हमला कहीं से हो जाता है, तो वो जल्दी से बैग के पास पहुंचता है और बैग से वो जल्दी से एक्टिवेट करने की जो है वो ऑर्डर देता है, और वहां से वो कर सकता है, वो अपने जितने भी उसके आसपास के जो अहम बंदे होते हैं उनसे वो कनेक्ट भी हो सकता है। तो भाई वो बैग कहाँ रखा हुआ था, वो ऑर्डर वो इन्फॉर्मेशन वो सब बिना सब कुछ के दाग दिया भाई। बड़ा जुलम है भाई। अरे बता के दागना चाहिए था ना भाई, बिना बताए दाग दिया। यार मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, मुझे एक चीज और सोच के भी बड़ी हंसी आ रही है कि ये मिसाइल जान लगा होगा सुराग कितना बड़ा हुआ होगा वहां पे। मैं तो मीडिया पे वेट कर रहा हूं कि भाई वो जगह की वीडियो भी वायरल हो जाए जहां पर मिसाइल लगा है, सुराग कितना बड़ा हुआ है उसमें, छेद कितना बड़ा किया है भाई।
ये तो एक पिचकारी थी बेटा, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है। ये सिर्फ तुम लोगों को जगाने के लिए था। वो जब एक बंदा आर्मी ज्वाइन करता है, मिलिट्री में जाता है, ऑफिसर वगैरह जो नए नए जवान होते हैं ना, रात के 2 बजे 3 बजे, तो वो उनके बीच में आके खड़े होके एक मिस फायर कर देता है, या हवाई फायर कर देता है, या कोई चीज का धमाका कर देता है, ताकि ये जवान देखता है कौन जल्दी से नींद से उठता है, किसका रिएक्शन क्या होता है। तो उनको अलर्ट रखने के लिए कभी कभार उनको ऐसे डराया जाता है। तो भाई ये सिर्फ एक अलर्ट था, ठीक है, ये सिर्फ बताया कि भाई सोना मत, जागते रहना। पहले तो भाई ये लोग कहते थे इंडिया से कबूतर आ गया भाई पाकिस्तान में, कबूतर को पकड़ के जेल में डाल देते थे, भाई ये रा का एजेंट है ये कबूतर, ये यहाँ की जो है ना वो यहाँ की कब्रें उठा के लेके जाएगा ये कबूतर। अभी इतना बड़ा मिजाइल आ गया भाई, अब तो कुछ बोलो। अरे भाई भाई मुझे माँ कसम इतनी हंसी आ रही है ना, इतनी हंसी आ रही है इस बात पे कि मिजाइल दाग दिया। अरे इतना इजी से बोल रहे हैं भाई, पूरी इंडिया की जो है वो मीडिया इतना इजी, भाई बहुत इजी लिया है, मिजाइल गलती में दाग दिया भाई, तो क्या हुआ, दाग दिया तो था। अब भाई देखो, अब ये किसी को पता भी नहीं है कि ये वाकई में मिस्टेक में दागा है, या फिर भाई इसको कोई तजुर्बा करने के लिए दागा है, क्योंकि लोग जो है वो टेस्ट करने के लिए पहाड़ियों पे दागते हैं या समंदर में दागते हैं। तो भाई काय को समंदर में मछलियों को मारना, पहाड़ियों में जानवरों को मारना, ये अच्छी जगह है, यहाँ पे तजुर्बे करो, दागो। अच्छा है ये मिसाइल सिस्टम जो है वो कलाशन कोप की तरह नहीं है, एकेएम की तरह नहीं है कि भाई ट्रेगर दबते ही भाई 30 के 30 निकल जाए, तो अच्छा है एक एक ही दागा जाता है। ये तो अगर ट्रेगर ऐसा होता कि दबा के 30 एक साथ दाग दिए, सुबह पता चला भाई कि कराची है ही नहीं। लोग नींद से उठे इस्लामाबाद वाले, कराची कहाँ गया भाई, कराची तो मैप में ही नहीं है। अरे वो मिस्टेक से मिसाइल दाग दिया। उन लोगों की कब्रें आ रही हैं कि भाई बाय मिस्टेक, इंडिया ने जो है वो इतना बड़ा मिसाइल दाग दिया है, तो इंडिया की मीडिया बोल रही है भाई ये मिसाइल नहीं है, पिचकारी मारी है। ये तुम्हें मकरोना की पिचकारी मारी है ताकि तुम बीमार ना पड़ो। अरे जितना भी बोलूं इस टॉपिक पे बहुत कम है भाई, मैं बहुत आसा हूं, आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है भाई, मेरे को नजला जुकाम हुआ है, और इतना ज्यादा हंसा हूं भाई इस टॉपिक पे, इतना ज्यादा ये न्यूज है, मैं बार बार और टेलीविजन पे पीसी पे ये न्यूज देख रहा हूँ, जो भी इस न्यूज के बारे में बात कर रहा है ना, मेरे को हंसी आ रही है भाई, मिसाइल दाग दिया भाई, तू ज्यादा कंजूस का। ये तो अच्छा था कि मिसाइल के अंदर जो है वो खजूर कम दूध ज्यादा था, अगर खजूर ज्यादा दूध कम होता ना तो पता नहीं क्या होता भाई। तो याद रखना, आइंदा से इंडिया वालों से मजाक भी मत करना, समझ रहे हो ना, क्योंकि मजाक मजाक में दाग देते हैं भाई वो लोग। पता चलो इतना बड़ा चेत कर दिया भाई। जय हिंद दोस्तों, जय हाँ अफगानिस्तान की। यह है द कश्मीर फाइल मूवी का रिव्यू हमारी तरफ से भाई, वो बंदा जिसने दागा है, हकीकत तो यही है, मैं 100% एग्री हूं, आप लोग कितने परसेंट एग्री हो, वो बंदा ये मूवी ताजी ताजी देख के आया था, उसने दबा दिया भाई, दाग दिया। ले भाई ये मेरी तरफ से छोटा गिफ्ट है तेरे को। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय। तो दोस्तों कैसे लगे आपको पठान भाई, वीडियो देख के आपको काफी मजा आया होगा, और हमेशा से जो पठान भाई है वो हंसी मजाक में पाकिस्तान को बुरी तरह से धोते हुए दिखाई देते हैं। आपकी इसके ऊपर क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी नई ताजा तरीन धमाकेदार मजेदार वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।